वेलकम स्टूडेंट्स इन SYBSC क्लास मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट दैट इज कैलकुलस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। नाउ इन प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी स्टडी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द सेट। नाउ इन दिस लेक्चर वी स्टडी अलजेब्रा ऑफ लिमिट। स्टूडेंट यू ऑलरेडी स्टडीड अलजेब्रा ऑफ लिमिट फॉर वन वेरिएबल इन FYBSC क्लास, बट हियर वी have two variable function. Definition is same, but difference is that in FYBSC class you study for one variable function, but here you study for two variable function. So our theorem number first is algebra of limit. Let f of x comma y comma g of x comma y be two real valued functions defined on a set S is a subset of R square. S पे हमारा function define किया गया है, where S क्या होगा, subset होगा R square का। Suppose x naught comma y naught be a limit point of X। अब student आप लोग already जो है वो previous lecture में limit point की definition पढ़ चुके हो, so यहाँ पे जो हमारा x naught y naught है वो क्या होगा, limit point। Let k be real number and limit of x comma y tends to x naught comma y naught f x y equal to capital L and limit x comma y tends to x naught y naught g of x comma y equal to L। मीनिंग यहाँ पे हमारे फंक्शन f की लिमिट एग्जिस्ट हो रही है और वो इक्वल है कैपिटल L के, एंड सिमिलरली हमारी लिमिट जी की जो है वो इक्वल है कैपिटल एम के। तो यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ लिमिट में जो फर्स्ट है लिमिट ऑफ एक्स कॉमा वाई एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस माइनस जी ऑफ एक्स कॉमा वाई। मीनिंग अगर यहाँ पे हम दो फंक्शन को ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे और उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो सिंपली ये इक्वल हो जाएगी L प्लस माइनस M, वेयर L जो है वो किसकी लिमिट होगी, f की, एंड g इज द लिमिट, सॉरी m इज द लिमिट ऑफ आवर फंक्शन g। सिमिलरली लिमिट ऑफ x कॉमा y x नॉट कॉमा y नॉट k इंटू f ऑफ x y इज इक्वल टू k इंटू L, एंड लिमिट x कॉमा y x नॉट कॉमा y नॉट एफ एक्स वाई इंटू जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एल एम, एंड द लास्ट लिमिट ऑफ एक्स कॉमा वाई टेंस टू एक्स नॉट वाई नॉट एफ एक्स वाई अपॉन जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एल अपॉन एम इफ एम इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि ज़ीरो किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करता है, इसीलिए यहाँ पर क्या दिया गया है, एम नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सिंपली यहाँ पे अगर हम दो फंक्शन को ऐड करेंगे या तो फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे और उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो इक्वल रहेगी उन दोनों फंक्शन की लिमिट के एडिशन और सब्सट्रैक्शन को। अगर हम उसे किसी भी स्केलर यानी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगी k इंटू लिमिट ऑफ द फंक्शन। सिमिलरली मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी लिमिट भी मल्टीप्लाई होगी, और अगर हम डिवाइड करेंगे तो लिमिट भी क्या होगी, डिवाइड होगी। सो स्टूडेंट दिस प्रूफ इज़ लेफ्ट एज ए एक्सरसाइज, क्योंकि ऑलरेडी आपने ये प्रूफ स्टडी किया हुआ है FYBSC क्लास में। प्रूफ जो है वो सेम एज इट इज़ है, बट डिफरेंस क्या है, वहाँ पर सिंगल वेरिएबल है और यहाँ पर डबल वेरिएबल है। सो ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट थ्योरम इज सपोज f is defined on a deleted neighborhood of x naught comma y naught। मीनिंग जहाँ पे जो हमारा फंक्शन वो कहाँ पर डिफाइन है, डिलीटेड नेबरहुड, मीनिंग जहाँ पे जो सेंटर का पॉइंट रहेगा x naught y naught ये हमारे सेट में बिलोंग नहीं करेगा। सो इफ लिमिट ऑफ x comma y tends to x naught y naught f x y exist then it is unique। अगर किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होती है तो वो क्या होती है, यूनिक होती है, मतलब सिंगल एक लिमिट एग्जिस्ट होती है। सो ये इम्पोर्टेंट थिंग है, इसे नोट कीजिए कि इफ़ लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट देन इट इज़ यूनिक। नेक्स्ट
Definition of a real valued function. A real valued function f defined on a set S in R square. F जो है वो real valued function है, meaning इसकी f की जो भी values आएगी वो किस में belong करेगी, real number में belong करेगी. Is said to be bounded on S if there is a number m greater than 0 such that mod f of x comma y less equal capital M for all x comma y belongs to S. अगर यहाँ पर क्या exist होगा, एक positive number such that यहाँ पर जितनी भी हमारी f x की values रहेंगी, that it mod f of x comma y either is it is equal to M or it is less than M for all x comma y belongs to S. हर वैल्यू जो हमारे इसमें प्रेजेंट है उसके लिए हमारा f m से या तो लेस होना चाहिए या तो इक्वल, तब हम क्या कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, बाउंडेड है. अवर थ्योरम नंबर 3 इज इफ लिमिट ऑफ x कॉमा y टेंस टू x नॉट कॉमा y नॉट एफ एक्स वाई एग्जिस्ट देन f इज बाउंडेड इन सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट. मीनिंग अगर हमारी लिमिट एग्जिस्ट होगी तो m क्या हो, f क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा. कहाँ पर? डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट. नाउ सपोज क्या करेंगे हम कि हमारे जो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट है और वो किसके इक्वल है, कैपिटल L के इक्वल है, और जो लिमिट है वो कहाँ पर डिफाइन होती है, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट. सो सपोज दैट एफ इज डिफाइंड ऑन अ डिलीटेड नेबरहुड एन डैश ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट. एंड हम यहाँ पे क्या क्या कंसीडर कर रहे हैं कि लिमिट ऑफ एक्स कॉमा वाई टेंस टू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट एफ एक्स वाई इक्वल टू के. अब यहाँ पे हम लिमिट की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लेंगे. तो हम क्या लेते हैं, एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो. मीन्स यहाँ पे मैं कोई भी पॉजिटिव नंबर ले सकती हूँ. इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि वो क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव. देन यहाँ पे बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट हम चूज़ क्या करेंगे, एप्सिलॉन की वैल्यू प्लस वन. क्लियरली इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो. देयर एग्जिस्ट अ नंबर डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट ज़ीरो लेस देन रूट एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट स्क्वायर लेस देन डेल्टा. ये क्या इम्प्लाई करता है, मॉड एफ एक्स वाई माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन. बट यहाँ पे हमने एप्सिलॉन की वैल्यू क्या ली है, वन. सो इट इज़ इक्वल टू मॉड एफ एक्स वाई माइनस ए लेस देन वन. सो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूज़ की है लिमिट की. नाउ हमारा जो ये एन डैश डेल्टा एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट है, ये क्या है, डिलीटेड नेबरहुड. और इसकी डेफिनेशन क्या है, एक्स कॉमा वाई ऐसे एक्स कॉमा वाई का कलेक्शन करते हैं जो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, ज़ीरो लेस देन रूट एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट स्क्वायर लेस देन डेल्टा. देन हमारा जो एक्स वाई है वो बिलोंग करेगा डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी पेयर एक्स कॉमा वाई, तब वो बिलोंग करेगा डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट. नाउ अब यहाँ पे हमें शो क्या करना है कि हमारा फंक्शन जो है वो बाउंडेड है. मीनिंग हमें यहाँ पे मॉड एफ एक्स वाई को क्या बताना है, लेस इक्वल एम बताना है. सो हमें यहाँ पे कंसीडर करना होगा मॉड एफ एक्स वाई. सो लेट मॉड एफ एक्स वाई इक्वल टू, यहाँ पर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे और ऐड करेंगे प्लस वन, तो कैंसिल होके हमें हमारी सेम जो वो वैल्यू है मॉड एफ एक्स वाई वही देंगे. सो इट बिकम्स मॉड एफ एक्स वाई माइनस एल प्लस एल. अब यहाँ पे हम मॉड को सेपरेट करेंगे. आपने कैलकुलस में पढ़ा होगा मॉड ए प्लस बी लेस इक्वल मॉड ए प्लस मॉड बी. तो सिंपली यहाँ पे एफ एक्स वाई माइनस एल दिस इज अवर फर्स्ट टर्म प्लस एल इज अवर सेकंड टर्म. तो यहाँ पे हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लेस इक्वल मॉड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल प्लस मॉड एल.
नाउ यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, मॉड एफ एक्स वाई माइनस से लेस देन वन. सो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन वन प्लस मॉड एल. सो वन प्लस मॉड एल इज़ अ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि अगर एल निगेटिव भी होगा तो मॉड जब हम इसका लेंगे तो इट बिकम्स पॉजिटिव. सो वन प्लस मॉड एल दैट इज अवर कैपिटल एल. सो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट हुआ, मॉड एफ एक्स वाई इज लेस देन वन प्लस मॉड एल. सो इट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ बाउंडेड फंक्शन, हिंस एफ इज बाउंडेड इन अ डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट कॉमा माइनस. सो अगर हमारे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होगी तो हमारा फंक्शन जो है वो क्या रहेगा, बाउंडेड रहेगा. नेक्स्ट अवर थ्योरम इज थ्योरम नंबर फोर. इफ अ फंक्शन एफ इज बाउंडेड इन अ डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट कॉमा माइनस. बाउंडेड मीनिंग सेम जो हमने प्रीवियस डेफिनेशन देखी है, मॉड एफ एक्स वाई लेस इक्वल क्या होगा, कैपिटल एम के. देन इफ लिमिट ऑफ एक्स कॉमा वाई टेंस टू एक्स नॉट वाई नॉट जी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू ज़ीरो. और अगर हमारे फंक्शन जी की लिमिट क्या होगी, ज़ीरो होगी, देन लिमिट ऑफ एक्स कॉमा वाई टेंस टू एक्स नॉट वाई नॉट एफ एक्स वाई इन टू जी ऑफ एक्स वाई इज ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो. क्या इंपॉर्टेंट थिंग है कि एक फंक्शन हमारा बाउंडेड रहेगा और एक की लिमिट ज़ीरो होगी. तो अगर हम ये दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट लेंगे तो इस प्रोडक्ट की लिमिट भी किसके इक्वल होगी, ज़ीरो के इक्वल होगी. नाउ लेट अस कंसीडर इट्स प्रूफ. गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो. गिवन क्या है हमें कि एफ इज़ बाउंडेड इन अ डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट. अब यहाँ पर हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे बाउंडेड फंक्शन की. देयर इज अ नंबर डेल्टा वन ग्रेटर देन ज़ीरो एंड नंबर एम ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट ज़ीरो लेस देन रूट एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा वन. ये इम्प्लाई करेगा मॉड एफ एक्स वाई लेस इक्वल इन. अब यहाँ पे जो हमारा फंक्शन बाउंडेड कहाँ दिया गया है, डिलीटेड नेबरहुड पे. सो पहले हम यहाँ पर डिलीटेड नेबरहुड की डेफिनेशन लिखेंगे दे बाउंडेड फंक्शन की. नेक्स्ट गिवन क्या है हमें, लिमिट ऑफ एक्स कॉमा वाई टेंस टू एक्स नॉट वाई नॉट जी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू ज़ीरो. अगेन हम यहाँ पर डेफिनेशन अप्लाई करेंगे लिमिट की. गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर इज़ अ नंबर डेल्टा टू ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट ज़ीरो लेस देन एक्स माइनस एक्स नॉट ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट ब्रैकेट स्क्वायर लेस देन डेल्टा टू. ये इम्प्लाई करेगा मॉड जी ऑफ एक्स वाई माइनस ज़ीरो लेस देन एप्सिलॉन अपॉन एम. नाउ स्टूडेंट यहाँ पे एप्सिलॉन अपॉन एम वैल्यू क्यों चूज़ करी है, ये आपको आगे जाके क्लियर होगा कंसेप्ट. और यहाँ पर हमने दो वैल्यू ली है, एक डेल्टा वन और सेकंड डेल्टा टू, क्योंकि हमें दो डेल्टा की ज़रूरत थी, एक हमारी फर्स्ट डेफिनेशन में और एक सेकंड डेफिनेशन में. सो यहाँ पे हमने इसे सिंपली क्या कर दिया, डेल्टा वन एंड डेल्टा टू. अब हम जो है वो डेल्टा चूज़ करेंगे जो कि मिनिमम वैल्यू रहेगी डेल्टा वन और डेल्टा टू की. क्यों, क्योंकि हमें ये दोनों जो है वो कंडीशन को कंबाइन करना है. तो अगर हम डेल्टा की वैल्यू मिनिमम लेंगे तो जो दोनों कंडीशन है डिलीटेड नेबरहुड की ये क्या हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी. सो देयरफॉर इफ डेल्टा इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा वन कॉमा डेल्टा टू देन ज़ीरो लेस देन रूट एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट ब्रैकेट स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा. अब हमें शो क्या करना है, मॉड एफ एक्स वाई इंटू जी ऑफ एक्स वाई माइनस ज़ीरो लेस देन एप्सिलॉन. मीनिंग क्या होगी इसकी कि एफ एक्स वाई को इंटू जी ऑफ एक्स वाई की लिमिट क्या है, ज़ीरो. नाउ इट इज़ इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स वाई इंटू जी ऑफ एक्स वाई. मॉड को हम सेपरेट करेंगे, ऑलरेडी वी स्टडी दैट मॉड ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी. तो हियर इट बिकम्स मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इंटू मॉड ऑफ
जी ऑफ एक्स कॉमा वाई, बट मॉड ऑफ एक्स वाई क्या है, लेस देन एम है। यहाँ पे आप देख सकते हो मॉड ऑफ एक्स वाई इज लेस इक्वल एम, एंड जो मॉड जी एक्स वाई है ये क्या है, एप्सिलॉन अपॉन एम। सो ये दोनों वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन एन इंटू एप्सिलॉन अपॉन एम। अब ये वैल्यू एप्सिलॉन अपॉन एम क्यों चूज़ की गई थी, क्योंकि हमें यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है एप्सिलॉन, सो एम को कैंसिल करने के लिए हम चूज़ करेंगे ये वैल्यू एप्सिलॉन अपॉन एम। सो वी गेट मॉड एफ एक्स वाई इंटू जी ऑफ एक्स वाई माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन। सो यहाँ पे लिमिट की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देयरफॉर लिमिट ऑफ एक्स कॉमा वाई टेंस टू एक्स नॉट वाई नॉट एफ एक्स वाई इंटू जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो। सो अगर हमारा फंक्शन बाउंडेड होगा और दूसरा फंक्शन जो है वो जिसकी लिमिट होगी ज़ीरो, तो अगर हम प्रोडक्ट लेंगे इन दो फंक्शन की तो इसकी लिमिट भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल, शो दैट लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू ज़ीरो कॉमा ज़ीरो टू एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे हम हमारे जो फंक्शन को ब्रेक करेंगे दो फंक्शन में, अगर फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड अवर नेक्स्ट जी ऑफ एक्स वाई जो कि इक्वल रहेगा टू एक्स। तो जब हम ये दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो हमें हमारा फंक्शन मिलेगा टू एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ ऑलरेडी वी नो दैट वाई स्क्वायर इज लेस इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे टू द लेफ्ट साइड ऑफ आवर इक्वेशन, सो इट बिकम्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस इक्वल वन। अब यहाँ पे ये वैल्यूज स्क्वायर में है, तो अगर हम इसका मॉड भी लेंगे तो वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और ये किसके लेस इक्वल है, वन के। वन क्या है, पॉजिटिव नंबर है, मीन्स वन यहाँ पे हमारा एक्चुअल में एम है। तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन एफ है ये क्या आया है, बाउंडेड, देयरफॉर आवर एफ एक्स वाई इज बाउंडेड। एंड जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे जी पे, दैट इज लिमिट ऑफ एक्स कॉमा वाई टेंस टू ज़ीरो कॉमा ज़ीरो जी ऑफ एक्स कॉमा वाई। यहाँ पर जब हम एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो टू इंटू ज़ीरो इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो आवर एफ इज़ बाउंडेड एंड आवर जी हैज़ लिमिट ज़ीरो, तो देयरफॉर लिमिट ऑफ एक्स कॉमा वाई टेंस टू ज़ीरो कॉमा ज़ीरो एफ एक्स वाई इंटू जी ऑफ एक्स वाई इज ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो, एंड दैट इज लिमिट टू एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। नाउ रिपीटेड और इटरेटेड लिमिट, इफ एफ एक्स वाई इज डिफाइंड इन अ सर्टेन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, एंड इफ लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट एफ एक्स वाई एग्जिस्ट। अब यहाँ पे जो हम लिमिट अप्लाई करेंगे वो सिर्फ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, वाई जो है वो हमारा एज इट इज़ रहेगा। तो जो हमें लिमिट एग्जिस्ट होगी वो क्या रहेगा, फंक्शन ऑफ वाई, और इसे हम क्या कह सकते हैं, फाई ऑफ वाई। नाउ इफ लिमिट वाई टेंस टू वाई नॉट फाई ऑफ वाई एग्जिस्ट एंड इट इज़ इक्वल टू एल वाई, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो हम प्रोसीजर करेंगे फाई ऑफ वाई की क्या फाइंड करेंगे, लिमिट फाइंड करेंगे। अगर वो एग्जिस्ट होगी और इक्वल होगी कैपिटल एल वन के, देन एल वन इज कॉल्ड रिपीटेड और इटरेटेड लिमिट, और सिम्बॉलिकली वी राइट इट एज लिमिट y टेंस टू y नॉट लिमिट x टेंस टू x नॉट f ऑफ x कॉमा y, मीन्स पहले हम लिमिट अप्लाई करेंगे x टेंस टू x नॉट, उसके बाद हम जो लिमिट अप्लाई करेंगे y टेंस टू y नॉट, दिस इज इक्वल टू लिमिट y टेंस टू y नॉट। नो जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, फंक्शन ऑफ y, दैट इज़ फाई ऑफ y, और जब हम फाई ऑफ y की लिमिट लेंगे तो ये इक्वल हो जाएगी एल वन की, दैट इज लिमिट y टेंस टू y नॉट लिमिट x टेंस टू x नॉट एफ एक्स वाई इक्वल टू एल वन। सिमिलरली वी डिफाइन द अदर पॉसिबल
रिपीटेड लिमिट एंड राइट सिम्बॉलिकली एस। नो यहाँ पर हम अब ऑर्डर चेंज कर देंगे लिमिट का। फर्स्ट अब हम अप्लाई करेंगे लिमिट y टेस्ट टू y नॉट एफ एक्स वाई, देन हम अप्लाई करेंगे लिमिट x टेस्ट टू x नॉट। तो अब यहाँ पे जो हमें एग्जिस्ट होगी लिमिट, ये क्या होगी, फंक्शन ऑफ x होगी, दैट इज साई ऑफ x, एंड देन इट इज इक्वल टू l2। देयरफॉर लिमिट x टेस्ट टू x नॉट लिमिट y टेस्ट टू y नॉट एफ एक्स वाई इक्वल टू l2। तो रिपीटेड लिमिट में हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से लिमिट फाइंड कर सकते हैं, पहले x की लिमिट फिर y की लिमिट, या तो फिर वाई सा वर्सा, पहले हम y की लिमिट पुट करेंगे देन हम लिमिट पुट करेंगे x की। तो दिस टू लिमिट आर नोन एज रिपीटेड और इटरेटेड लिमिट। नो यहाँ पे अब कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है, आप लोग नोट करो, दीज टू रिपीटेड लिमिट्स मे और मे नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ पर हो सकता है ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट हो या तो फिर ना भी हो, एंड व्हेन एग्जिस्ट दे मे और मे नॉट बी इक्वल। नाउ सपोज अगर हमारी दोनों लिमिट एग्जिस्ट हो रही है एल वन एंड एल टू, तो कुछ केस में हो सकता है हमारा एल वन इक्वल टू एल टू रहे, बट कुछ केस में रहेगा एल वन नॉट इक्वल टू एल टू, एंड व्हेन इक्वल does not guarantee the existence of simultaneous limit। and suppose अगर हमारी l1 equal to l2 है limit, तो इसकी meaning ये नहीं होगी कि हमारी simultaneous limit भी exist होगी। it is not necessary that our simultaneous limit exist if repeated limits are equal। similarly the existence of simultaneous limit लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू ए कॉमा बी एफ एक्स वाई डज नॉट इम्प्लाई इवन द एग्जिस्टेंस ऑफ आइदर ऑफ द रिपीटेड लिमिट। अगर सिमिलरली हमारी साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, तो इसकी मीनिंग हम ये नहीं लेंगे कि हमारी दोनों रिपीटेड लिमिट भी क्या होंगी, एग्जिस्ट होंगी। इफ द रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट अलॉन्ग विद द साइमल्टेनियस लिमिट, मीनिंग अब यहाँ पे हमारी रिपीटेड लिमिट भी एग्जिस्ट हो रही है और साइमल्टेनियस लिमिट भी, देन दीज टू रिपीटेड लिमिट्स वुड बी इक्वल। अब अगर ये दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट होंगी, तब हमारी रिपीटेड लिमिट क्या होगी, इक्वल रहेगी। एंड इफ द रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट एंड आर नॉट इक्वल, देन द साइमल्टेनियस लिमिट कैन नॉट एग्जिस्ट। अगर हमारी रिपीटेड लिमिट इक्वल नहीं होंगी, तो हमारी साइमल्टेनियस लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं होगी। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अवर थ्योरम नंबर 5 इज, सपोज द साइमल्टेनियस लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू एक्स नॉट वाई नॉट एफ एक्स वाई इक्वल टू कैपिटल एक्स एग्जिस्ट, एंड द पार्शियल लिमिट लिमिट x टेंस टू x नॉट एफ एक्स वाई एग्जिस्ट फॉर ईच फिक्सड वैल्यू ऑफ y नियर y नॉट, देन द रिपीटेड लिमिट लिमिट y टेंस टू y नॉट लिमिट x टेंस टू x नॉट एफ एक्स वाई एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू n। अब यहाँ पर अगर हमारी साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट होगी और जो हमारी पार्शियल लिमिट है वो भी एग्जिस्ट होगी फॉर ईच फिक्सड वैल्यू ऑफ y नियर y नॉट, देन हमारी रिपीटेड लिमिट भी एग्जिस्ट होगी और सेम वो किसके इक्वल होगी, हमारी साइमल्टेनियस लिमिट के। नाउ वाई सा वर्सा, इफ द पार्शियल लिमिट y टेंस टू y नॉट एफ एक्स वाई एग्जिस्ट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x नियर x नॉट, देन द रिपीटेड लिमिट लिमिट x टेंस टू x नॉट लिमिट y टेंस टू y नॉट एफ एक्स वाई एग्जिस्ट एन इज इक्वल टू एन। सिमिलरली अगर हम रिवर्स इसका ऑर्डर करेंगे, मीन्स अगर हमारी जो पार्शियल लिमिट है वाई टेंस टू वाई नॉट एफ एक्स वाई एग्जिस्ट होगी, हर वैल्यू जो है वो एक्स जो नियर रहेगी एक्स नॉट के, तो हमारी जो रिपीटेड लिमिट रहेगी वो किसके इक्वल रहेगी, कैपिटल एल के। थैंक यू।